तो दोपहर प्राइम टाइम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस पार्टी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, गहलोत वर्सेस पायलट की जंग में 10 जनपद अब बैकफुट पर नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोल चुके अशोक गहलोत गुट पर अभी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। राजस्थान संकट पर फैसला सोनिया ने होल्ड कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होने तक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहेंगे। नए सीएम पर फैसला 19 अक्टूबर के बाद होगा, जब अध्यक्ष पद के चुनाव का नतीजा सामने आ जाएगा। दोनों ऑब्जर्वर अपनी लिखित रिपोर्ट सोनिया गांधी को ऑनलाइन भेज देंगे। राजस्थान से लौटे ऑब्जर्वर ने अपनी मौखिक रिपोर्ट पहले ही सोनिया गांधी को दे दी है। दो में से एक ऑब्जर्वर ने गहलोत गुट पर बड़े एक्शन की नसीहत दी है। सचिन गहलोत गुट की भी नजर अब हाईकमान पर टिकी हुई है। सोनिया के फैसले के बाद गहलोत गुट अपना रुख तय करेगा। गहलोत गुट ने अब साफ साफ कह दिया है कि उन्हें सोनिया गांधी का फैसला मंजूर होगा। हम एक बार फिर से आपको बता दें कि आखिरकार कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक राजस्थान पर फाइनल फैसला सोनिया गांधी अभी होल्ड पर रखेंगी। अध्यक्ष पद के चुनाव तक गहलोत सीएम बने रहेंगे। नए मुख्यमंत्री पर फैसला 19 अक्टूबर के बाद होगा और अध्यक्ष के चुनाव के बाद सोनिया गांधी राजस्थान के मामले में फाइनल फैसला लेने वाली है। बिल्कुल, तो देखिए लगातार बड़े बदलाव की ओर इशारा हो रहा है और पार्टी ने अपने इस बड़े संकट पर सोनिया गांधी के पास अब इस वक्त दो ऑप्शन बचे। कौन कौन से ऑप्शन हैं? पहला, अशोक गहलोत गुट के खिलाफ वो एक्शन ले सकती हैं, तो दूसरा, बातचीत के जरिए समाधान की कोशिश की जाए। राजस्थान से लौटते ही दोनों ऑब्जर्वर ने कल सोनिया गांधी से मुलाकात की। ऑब्जर्वर ने गहलोत गुट पर एक्शन का सुझाव दिया, तो जवाब में सोनिया गांधी ने दोनों ऑब्जर्वर से लिखित में रिपोर्ट मांगी। सोनिया से मुलाकात में माखन ने कहा कि विधायकों ने अनुशासन तोड़ा है, लिहाजा उन पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और सोनिया गांधी के फैसले के पहले कांग्रेस विधायक दिव्या मदेड़ा ने गहलोत गुट पर डायरेक्ट अटैक किया है। आपको बताएं कि मदेड़ा ने कहा है कि अब आगे से वो कोई भी आदेश चीफ व्हिप महेश जोशी से नहीं लेंगी। दिव्या ने पूछा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले धारीवाल के घर पर मीटिंग क्यों बुलाई गई, मीटिंग बुलाने वाले धारीवाल कौन होते हैं। दिव्या मदेड़ा ने आरोप लगाया कि पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा था, धारीवाल और महेश जोशी पर एक्शन होना चाहिए। राजस्थान की राजनीति में मदेड़ा परिवार का हमेशा रसूख रहा है और उसकी विरासत को बढ़ाते हुए दिव्या मदेड़ा आगे चल रही है। दिव्या मदेड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मदेड़ा जी, जो राजनीति का सिनेरियो इस वक्त चल रहा है उसमें आपका ट्वीट हम लगातार पढ़ रहे हैं और उस ट्वीट में आपने तो यहाँ तक लिख दिया है कि महेश जोशी को आप चीफ व्हिप मानने से इनकार करती है, नाराज। नहीं, मैं आज के बाद उनसे कोई डायरेक्शंस नहीं लूंगी कि व्हिप मानिए। जब आपको वो फोन करके कहते हैं कि सीएलपी की मीटिंग शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर है, केसी वेणुगोपाल जी भी ट्वीट करते हैं कि सोनिया गांधी जी द्वारा नियुक्त दो ऑब्जर्वर्स उस मीटिंग में आएंगे, उसके बाद वो स्वयं दूसरे विधायकों को करके और खुद ही भाग जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। क्या है ये? आपको बुलाया नहीं गया था उस मीटिंग में धारीवाल जी के घर में? नहीं, मुझे नहीं बुलाया गया था। आप कहाँ थी उस वक्त? मैं तो मुख्यमंत्री आवास पे ऑफिशियल सीएलपी की मीटिंग अटेंड करने गई थी। कह रहे हैं ये अनुशासनहीनता है, धारीवाल कह रहे हैं कि हमने तो बुलाया नहीं था, स्वयं आए थे विधायक। नहीं तो वो तो स्वयं उनके घर आ गए होंगे, लेकिन मुझे इसका जवाब दें कि चीफ व्हिप और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स को पता था कि 7 बजे सीएलपी की मीटिंग है, वो क्यों अपने घर पे तंबू टेंट लगा के वहाँ भाषणबाजी कर रहे हैं? और भाषणबाजी में आपने उनकी लैंग्वेज देखी है, क्या कह रहे हैं धारीवाल जी? उनका जो चर्चित अभी वीडियो चल रहा है कि हाईकमान ऐसे नहीं मानेगा तो कैसे मानेंगे आप? हाथ मरोड़ के मनाएंगे? वो आपके ब्लैकमेलिंग करके धत्ता बताने का काम था। वाई वॉज द चीफ व्हिप एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर नॉट एट द सीएलपी? दूसरे विधायक तो उनके घर आ गए, जब वो स्वयं गाड़ी में बैठकर वहां पर आ जाते तो निश्चित रूप से दूसरे विधायक भी उनके पीछे पीछे आ जाते। भ्रम की स्थिति किसने पैदा करी? महेश जोशी जी ने, मुझे तो नहीं किया, बाकी विधायकों को फोन किया और कहा कि आप ये देख लीजिए, इंटरव्यू दे रही है इंदिरा मीना जी, कि आप पहले यहाँ आइए और यहाँ से बाद में जाएंगे, और उसके बाद जाने का कार्यक्रम उन्होंने रद्द कर दिया। तो मुझे नहीं लगता ये कौन कर रहा है, अनुशासनहीनता नहीं है तो क्या है? क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपको लगता है कि पार्टी इस पर क्या एक्शन ले, क्या इस तरीके की डिमांड? लगता है पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर और महेश जोशी चीफ व्हिप, इन दो पर होनी चाहिए। जो शांति धारीवाल जी और महेश जोशी जी ने किया, उन्होंने सोनिया जी की भेजे हुए तय करी हुई जो मीटिंग रखी गई थी, जिसका अनाउंस बाद में सीएलपी लीडर ने कहा और बाकी जिसका इन्फॉर्मेशन बाद में महेश जोशी जी ने किया, उसको बॉयकॉट करा, मुझे लगता है ये मोर हीनियस देन व्हाट सचिन पायलट ने डन। मैं सिर्फ और सिर्फ आला कमान जिसका निर्णय लेती है, आला कमान के निर्णय के साथ हूँ और मैं इस एक लाइनर रेजोल्यूशन और इनडिसिप्लिन के खिलाफ हूँ कि जिस कांग्रेस से हम आते हैं, जिस 1998 में हमने व्यक्तिगत रूप से जहर का घूंट पिया, तो इसलिए पिया कि हम आला कमान के प्रति और कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।